बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इस सवाल में हमने एडिशन की है पीएफ डिपॉजिट की कि एम्प्लॉई ने 2009 से 2016 तक आज तक ये काम पैसे जमा हो चुके हैं उसके और इंटरेस्ट इसमें 20% लास्ट टाइम ने 14 दिया था, हमने 20% दिया है। पूरा सवाल वही है, समझ ले ये पार्ट ए तो वही रहेगा जो आपको मालूम है कि इसका पार्ट डी में देखते हैं कि 1/3 देंगे। हमने पहले भी बताया था आपको टू सेल बेसिक सैलरी और डीएनएस को जमा करके 3 से डिवाइड कर दीजिएगा जो आपका आंसर आ गया। 16% निकाली आपने आपसे कहा था, 16% भी निकाल दिया। फिर हमने आपसे कहा इन दोनों को जो लार्ज होगा कंपेयर कीजिएगा 1/3 के आंसर पर 16% के आंसर पर जो लार्ज होगा उसको लीजिएगा, वो आपने ले लिया। फिर आपने एक्चुअल इंटरेस्ट निकाला जो 14 लाख रुपये निकला है, 70 लाख के सवाल में 20% दिया था तो आपने 14 लाख निकला है। अब 14 लाख रुपये को आप ऊपर रखेंगे और फिर दोनों में से लार्ज आया था उसको नीचे रखेंगे, आपका आंसर इस दफा पॉजिटिव आ गया। लास्ट टाइम नेगेटिव आया था हमने इग्नोर कर दिया, लेकिन इस दफा पॉजिटिव आया था हमने 2,80,000 को उठा दिया और अपनी टैक्सेबल इनकम में ऐड कर दिया। मालूम है बेसिक सैलरी फुल टैक्सेबल होती है, डीएनएस अकाउंट टैक्सेबल होता है, पीएफ आप निकालना आपको आता ही है, 54,000 कैसे निकला है मालूम है, और 2,80,000 ने ऐड किया था। अब इस ये शब्द के साथ इस अमाउंट पे 9,94,000 पे 9,94,000 टैक्स किया। थैंक यू।